हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने कल की जो क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे भारतीय संगीत। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, भारतीय संगीत को कम्प्लीट करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग कम्प्लीट करेंगे जो भारतीय नृत्य है उसको। तो टॉपिक डाल लीजिए भारतीय संगीत, हाँ कल ही वाला टॉपिक कंटिन्यू करना है। इस पर हेडिंग डाल लीजिए भारतीय संगीत का विकास, भारतीय संगीत का विकास, भारतीय संगीत का विकास लिखिए। संगीत के विकास के संदर्भ में, अच्छा जरा एक चीज ये समझिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें जो प्रमाण मिले हैं, तो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी जो संगीत है उसके तो कोई बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले, लेकिन जो भारतीय नृत्य है इसके काफी प्रमाण मिले हैं, है ना। जो भारतीय नृत्य है उसके बारे में हमें जानकारी मिली है कि उस समय भी समाज में जो नृत्य है वो समाज में विद्यमान था, वो चलन में था, क्योंकि एक नर्तकी की एक मूर्ति मिली है कांसे की बनी हुई जो कि नृत्य की मुद्रा पे है। इससे हमें समझ में आता है कि समाज में उस दौरान जो नृत्य है वो समाज में विद्यमान था, लेकिन जो भारतीय संगीत है इस संगीत के हमें कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले नहीं है, हाँ संगीत के बारे में हमें कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिली। तो इसी को हमको लिखना है, लिखे संगीत के विकास के संदर्भ में, संगीत के विकास के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, संगीत के विकास के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान संगीत के प्रत्यक्ष प्रमाण की, संगीत के प्रत्यक्ष प्रमाण की जानकारी नहीं मिली है, संगीत के प्रत्यक्ष प्रमाण की जानकारी नहीं मिली है, परंतु वर्ष 2016 में, परंतु वर्ष 2016 में डॉक्टर सैल व्यास, परंतु वर्ष 2016 में डॉक्टर डॉक्टर सैल व्यास द्वारा स्थापित, सैल व्यास द्वारा स्थापित शोध से, सैल व्यास द्वारा स्थापित शोध से इसके कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सैल व्यास द्वारा स्थापित शोध से इसके कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे लिखे ऐसा देखा जाता है कि, ऐसा देखा जाता है कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता, ऐसा देखा जाता है कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता जहां भौतिकतावाद, ऐसा देखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा देखा जाता है कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता जहां भौतिकतावाद अपने चरम पर थी, भौतिकतावाद अपने चरम पर थी, वहां संगीत की, वहां संगीत की उपस्थिति भी, वहां संगीत की उपस्थिति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, उनका मानना यह है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता इतनी डेवलप थी, है ना, इतनी एडवांस थी, और वहां पर चूंकि नृत्य के साक्ष्य तो मिले हैं तो माना जा रहा है कि यहाँ पर संगीत भी अवश्य ही रहा होगा, भले उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी अनुमान ये लगाया गया है कि नृत्य यहाँ पर जरूर विद्यमान रहा होगा, है ना, क्योंकि पूरा भौतिकतावादी समाज था और काफी डेवलप्ड सोसाइटी थी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, साहित्यिक प्रमाणों के अंतर्गत, साहित्यिक प्रमाणों के अंतर्गत, साहित्यिक प्रमाणों के अंतर्गत संगीत की प्रथम उपस्थिति, साहित्यिक प्रमाणों के अंतर्गत संगीत की प्रथम उपस्थिति सामवेद से प्राप्त होती है, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संगीत की पहली जो उपस्थिति है ना साक्ष्य के रूप में कहां से प्राप्त हुई है, तो सामवेद, सामवेद से हमें प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुए हैं पहली बार संगीत के, है ना, जो अभी वर्तमान में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। तो साहित्यिक प्रमाणों के अंतर्गत संगीत की प्रथम उपस्थिति के प्रमाण हमें सामवेद से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, जबकि, जबकि ऋग्वेद के मंत्रों को, सामवेद से तो हमें संगीत के प्रमाण मिले हैं, भाई सामवेद तो है ही ना संगीत से रिलेटेड, है ना। जबकि जो ऋग्वेद है उसमें जो मंत्र आदि है ना उसको गायन शैली में प्रस्तुत किया गया है, गायन शैली में लिखा गया है, तो गायन शैली में लिखने का मतलब कि वहां पर भी संगीत है,
ठीक है, जबकि ऋग्वेद के मंत्रों को, जबकि ऋग्वेद के मंत्रों को गायन शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो सामवेद में तो संगीत के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद से भी हमने ये अनुमान लगाया कि इस समय संगीत था, क्योंकि ऋग्वेद के जो मंत्र आदि हैं वो किस शैली में मिले हैं, वो मिले हैं गायन शैली में। ठीक है, तो ऋग्वेद के मंत्र आदि भी मिलते हैं गायन शैली में। आशीष कहाँ थे इतनी देर तक? ठीक है, चलिए। आशीष आवाज आ रही है? इतना लेट कैसे हो गए? चलिए ठीक है, लिखते हैं आगे। तो एक तो मैंने कहा कि जो संगीत है वो सबसे उसके पहले जो पुराने प्रमाण है कहां से मिले? सामवेद से। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इस सिंधु घाटी सभ्यता से मैं बता रहा हूं कि यहां पर संगीत के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संगीत के तो कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो नृत्य है इस नृत्य के प्रमाण जरूर मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी कांसे की और वो नृत्य की मुद्रा में थी। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, जिसमें से प्रमुख है डॉक्टर सहल व्यास, उन्होंने ये कहा कि जब वो, चूंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है भौतिकतावादी समाज है, काफी डेवलप्ड सोसाइटी है, और वहां पर चूंकि नृत्य, जब नृत्य के जब प्रमाण मिले, यानी कि समाज में नृत्य चल रहा है ना, विद्वान है नृत्य, तो अवश्य ही संगीत भी रहा होगा। लेकिन संगीत के हमें वहां पर कोई भी प्रमाण मिले नहीं है, यानी कि वाद्य यंत्र वगैरह उस टाइप की कोई चीजें मिली नहीं है। इसके सबसे जो पहले साक्ष्य है किसमें मिलते हैं? सामवेद में, है ना। तो सामवेद में, सामवेद तो पूरा है ही पूरा गायन के ऊपर, संगीत के ऊपर। उसके बाद साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में जो मंत्रादियों का, जो मंत्रादि वर्णन किए गए हैं, जो लिखे गए हैं, वो भी किस शैली में है? तो गायन शैली में है ना। तो ऋग्वेद के मंत्रादि गायन शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। आगे लिखिए इसमें, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शिव को भी, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शिव को भी संगीत की परंपराओं से जोड़ा गया है। भाई जो महेश्वर सूत्र वगैरह आप देखते हैं है ना, जो तो उसमें जो शिव वगैरह, शिव को भी हिंदू धर्म के अनुसार जो संगीत की परंपरा है उससे उससे जोड़ा गया है। ठीक, कहा गया है कि जो जब शिव ने डमरू बजाया था तो उस डमरू से ही ये जो सारे गामा पाधा ये सब क्या है उसी से निकले हैं ना। तो ये जो महेश्वर सूत्र है और ये जो स्वर है तो उसकी उत्पत्ति भी उसी से मानी गई है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शिव को संगीत की परंपराओं से जोड़ा गया है, और उन्हें डमरू वादक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव के पास एक डमरू है ना, और जो डमरू है उससे, उसको बजाने से क्या हो रहा है? संगीत उत्पन्न हो रहा है, और उन्हें डमरू वादक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम देख सकते हैं कि हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार शिव के हाथ में भी डमरू की संकल्पना की गई है, और शिव वो जो डमरू बजाए उसी डमरू से ही ये जो सारे स्वर हैं इनकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, तो हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार शिव को संगीत की परंपराओं से जोड़ा गया है, और उन्हें डमरू वादक के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो देवी सरस्वती हैं उनको भी वीणा के साथ दिखाया गया है। मतलब जो ये संगीत है ये हमारे प्राचीन परंपराओं से इसको जोड़ दिया गया। शिव को, शिव के हाथ में देखिए डमरू रखा गया, इसको इनको डमरू वादक। साथ ही साथ जो सरस्वती हैं उनको भी संकल्पना की गई कि वो भी एक वाद्य यंत्र बजा रही हैं, वीणा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो कृष्ण हैं, कृष्ण को भी बांसुरी वादक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार ही जो संगीत है हमारे समाज में बहुत प्राचीन समय से विद्यमान है ना, ऐसी संकल्पना की गई। तो ये इसके अतिरिक्त सरस्वती को भी वीणा से तथा श्री कृष्ण को बांसुरी से जोड़ा गया है। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके मेंस राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये टॉपिक।
है ना, तो इसमें ये आप लोग सारे फैक्ट्स आप इस तरह से आप लिखने होते हैं। तो ये जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, ये प्रीलिम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपको प्रीलिम्स में तो कम ध्यान देना, लेकिन मेंस में आपको इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, आगे लिखिए, कृष्ण को बांसुरी वादक से, कृष्ण को बांसुरी से जोड़ा गया है, फुल स्टॉप लगे। आगे लिखिए, लिखिए महाकाव्य काल की, महाकाव्य काल की रचनाओं में भी, महाकाव्य काल की रचनाओं में भी कई वाद्य यंत्रों की, महाकाव्य काल की रचनाओं में भी कई वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। महाकाव्य काल की रचनाओं में भी कई वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त होती है, कई वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें नगाड़े, संघ। महाकाव्य काल की रचनाओं में भी कई वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें नगाड़े, संघ आदि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आदि का जिक्र किया गया है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तीसरी सदी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसा पूर्व में रचित ग्रंथ, तीसरी सदी ईसा पूर्व में रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि, देखिए 300 BC के आसपास एक नाट्य शास्त्र लिखा, एक ग्रंथ लिखा गया, इसका नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि पहली बार किस नाट्य शास्त्र में रागों का जिक्र किया गया, रागों का उल्लेख है, तो भरत मुनि के द्वारा रचित एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इस ग्रंथ में पहली बार राग, रागों का जिक्र किया गया है, रागों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो तीसरी सदी ईसा पूर्व में रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि ने रागों की चर्चा की है। कल हम लोगों ने राग का हमने जिक्र किया था कि राग ही आधार बन रहे हैं जाकर के संगीत के। ठीक है, और ये राग तक पहुंचने की जो पूरी एक क्रम है उसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि किस तरीके से नाद से लेकर के हम राग तक में आए हैं। तो नाट्य शास्त्र में पहली बार किसका जिक्र किया गया है, रागों की चर्चा की गई है। आगे लिखिए इसी के आगे, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भी सिक्के में, तो इस समय का गुप्त वंश का, गुप्त काल का एक सिक्का हमें प्राप्त होता है और उस सिक्के में समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये हमेशा एग्जाम पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है कि गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत प्रेमी दिखाया गया है ना, या फिर उसके समय के सिक्कों में उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो कौन शासक है, समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा समुद्रगुप्त, लिखना है गुप्त वंश के एक शासक समुद्रगुप्त को भी एक सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, एक सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कालिदास ने भी, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में, कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में वीणा के प्रकारों की चर्चा की है, कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में वीणा के प्रकारों की चर्चा की है। कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में वीणा के प्रकारों की चर्चा की है। वहीं गुप्त वंश के अनेक ग्रंथों में, वहीं गुप्त वंश के अनेक ग्रंथों में, देखिए गुप्त वंश को संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता था, है ना, तो जो गुप्त काल था इस समय में संगीत का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। ध्यान रखना आपको कि गुप्त काल के दौरान संगीत का बहुत डेवलपमेंट हुआ था,
इसके दरबार में बहुत सारे संगीतज्ञ थे, है ना, गुप्त सम्राटों के दरबार में। तो लिखिए गुप्त काल के ग्रंथों में, गुप्त काल के ग्रंथों में, है ना, जो समय के जो साहित्य थे, गुप्त काल के ग्रंथों में कई प्रकार के वाद्य यंत्रों की चर्चा मिली है, कई प्रकार के वाद्य यंत्रों की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, कई प्रकार के वाद्य यंत्रों के उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। जैसे जैसे मृदंग, जैसे मृदंग गुप्त काल के शासकों के साहित्यों में कई प्रकार के वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं, जैसे मृदंग, बांसुरी, बांसुरी, तुरही, तुरही, बांसुरी, तुरही, ठीक है, वीणा, वीणा एवं ढोल आदि, वीणा एवं ढोल आदि, वीणा एवं ढोल आदि। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गुप्त काल के पश्चात, गुप्त काल के पश्चात राज्यों के मध्य, गुप्त काल के पश्चात राज्यों के मध्य होने वाले संघर्षों में, गुप्त काल के पश्चात राज्यों के मध्य होने वाले संघर्षों में, होने वाले संघर्षों में सांस्कृतिक विकास की दिशा में ठहराव ला दिया, सांस्कृतिक विकास की दिशा में ठहराव ला दिया। ठीक है, ठहराव ला दिया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए इस समय गुप्त काल में तो चरम पर था, लेकिन फिर समय जो तमाम टकराव होने लगे जो लोकल राजा हैं आसपास के, उनके बीच में, तो उस समय से जो ये संगीत के दिशा में इनका जो लगातार उत्कर्ष हो रहा है वो क्या पड़ गया, वो बंद पड़ गया। ठीक, लेकिन एक बार फिर से दोबारा दौर आता है 13वीं सदी में। तो अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। 13वीं सदी में, 13वीं सदी के प्रारंभिक कालों में लिखिए, 13वीं सदी के प्रारंभिक कालों में सानंद देव द्वारा रचित, 13वीं सदी के प्रारंभिक कालों में सानंद देव, यह सानंद देव 13वीं सदी के आरंभिक कालों में सानंद देव द्वारा रचित, सानंद देव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर, सानंद देव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर, ये सब भी आपको याद रखने हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, तो ये प्रीलिम्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। सानंद देव ने किसकी रचना की, संगीत रत्नाकर, है ना, उस तरीके से संगीत का पहली बार साक्ष्य किस ग्रंथ में मिला, सामवेद में। तो ये जो नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की, है ना, और रागों का इसमें चर्चा की गई थी। ये सब वन डे एग्जाम के लिए है, और जो मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूँ ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा जाकर के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सानंद द्वारा रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में, संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में संगीत के दृष्टिकोण से, संगीत के दृष्टिकोण से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, संगीत के दृष्टिकोण से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और इसी ग्रंथ में पहली बार, और इसी ग्रंथ में पहली बार भारतीय संगीत, और इसी ग्रंथ में पहली बार भारतीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत है ना, क्लासिकल सॉन्ग, और इसी ग्रंथ में पहली बार भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत की उपस्थिति का भी, भारतीय शास्त्रीय संगीत की उपस्थिति का भी स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की उपस्थिति का भी स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है।
ये आप लोग लिख रहे हैं भारत में संगीत का विकास का क्रम है, हम लोग लिख रहे हैं। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया है ना, फिर हम 300 बीसी में आए, ऋग्वैदिक काल वैदिक काल में आए, ठीक है, और उसके बाद फिर पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक काल में हम लोग आए, उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग आ गए गुप्त काल में, और गुप्त काल से हम आ गए 13वीं सदी में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग संगीत के विकास को बढ़ते हुए क्रम में देख रहे हैं किस किस तरीके से विकास हुआ। अब सीधे हम लोग आ जाएंगे मुगल काल के दौरान, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए मुगल काल, या उससे पहले हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दिल्ली सल्तनत के काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में दरबार में संगीत बंद हो चुके थे, दिल्ली सल्तनत के काल में दरबार में संगीत बंद हो चुका था। देखिए दिल्ली सल्तनत में जो शास्त्रीय संगीत है, भारतीय संगीत है, ये बंद हो चुका था, लेकिन एक नए तरीके का संगीत का विकास हुआ, और कौन सा संगीत, सूफी जो संत लेकर के आए, है ना, तो सूफी संगीत इस समय प्रकाश पे आ गए, तो जो शास्त्रीय जो क्लासिकल सॉन्ग है इंडियन सॉन्ग ये सब तो बंद हो गए दिल्ली सल्तनत में, लेकिन जो सूफी जो तंत्र तमाम आए साथ में, जैसे कि हम देखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती आ गए गजनवी के साथ, है ना, उसी हम देखें निजामुद्दीन औलिया आए, तो ये जो सारे हैं यही लेकर के अपने साथ सूफी संगीत, तो एक नए तरीके का भारत में संगीत का विकास हो गया सूफी संगीत का। तो पैराग्राफ चेंज करके हमको क्या लिखना है, दिल्ली सल्तनत के काल में दरबार में संगीत बंद हो चुके थे, परंतु सूफी संतों ने संगीत को जीवित रखा, और एक नए प्रकार के संगीत का विकास हुआ, और भारत में एक नए प्रकार के संगीत का विकास हुआ। फिर स्टॉप लगा के लिखे, इस समय के संगीतकारों में अमीर खुसरो का नाम सर्वाधिक आता है। तो इस समय के जो संगीतकार है उनमें सबसे प्रमुख कौन हमें दिखाई दे रहा है, अमीर खुसरो, जिसे तोता हिंद भी कहा जाता है। तो इस समय के संगीतकारों में अमीर खुसरो का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फुल स्टॉप लगा के लिखे, इस समय के संगीतकारों में अमीर खुसरो का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फुल स्टॉप लगा के लिखे, अमीर खुसरो के काल में ही हिंदुस्तान गायन शैली के अंतर्गत हयाल शैली का जन्म हुआ। तो देखिए उसी समय कौन सी शैली है संगीत की, हयाल शैली का जन्म हुआ, और अमीर खुसरो को ही हयाल शैली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो के समय में हिंदुस्तान में एक नई गायन शैली का विकास हुआ, जिसे हमने कहा हयाल शैली, और अमीर खुसरो को ही इस हयाल शैली का आविष्कार का जनक भी माना जाता है। इसी के आगे लिखे, अमीर खुसरो को ही तबला का जनक भी कहा जाता है, तबला का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम बहुत बार पूछा गया है, एसएससी सीजीएल वगैरह में सब पूछा गया है ना कि भारत में तबला का जनक कौन है, तो अमीर खुसरो, और हयाल शैली का जनक कौन है, देखिए तबला तो सबको रटा हुआ है, सब लोगों ने रट लिया है तबला, अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया, लेकिन अभी ये जो हयाल शैली है ये बहुत कम लोग इस चीज को नोटिस करते हैं। तो हो जाता है कभी आपसे पूछ लिया जाए, अच्छे एग्जाम में तबला नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा गायन की कौन सी शैली का विकास किया अमीर खुसरो ने, तो आपको बताना होगा हयाल शैली का, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने ही तबला का भी आविष्कार किया। इसी के काल में कव्वाली का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। जो कव्वाली जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई, चर्चित हो गई समाज में, वो किसके समय में, अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो को ही कव्वाली का भी जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो
हयाल शैली का जनक, संगीत की हयाल शैली, तबला के आविष्कारक, और साथ ही साथ जो कव्वाली है वो भी प्रचलित हुई अमीर खुसरो के द्वारा ही। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नोट डाल लीजिए, नोट डाल के लिखिए जरा कुछ लाइंस, नोट डालिए, नोट डाल के लिखो। दिल्ली सल्तनत के काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में भारतीय संगीत पर इस्लाम का प्रभाव देखा गया। दिल्ली सल्तनत के काल में भारतीय संगीत पर इस्लाम का प्रभाव देखा गया और ऐसी स्थिति में, दिल्ली सल्तनत के काल में भारतीय संगीत पर इस्लाम का प्रभाव देखा गया और ऐसी स्थिति में वैसे कलाकार और ऐसी स्थिति में वैसे कलाकार जो इस और ऐसी स्थिति में वैसे कलाकार जो इस स्थिति के साथ जो इस स्थिति के साथ सामंजस्य जो इस स्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे और ऐसी स्थिति में ऐसे कलाकार जो इस स्थिति के साथ, भाई चूंकि हिंदुस्तानी शैली में इस्लाम शैली का भी मिश्रण हो गया ना, तो जो कलाकार इस सभी के साथ ऐसी स्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा नहीं पा रहे थे वो दक्षिण की ओर पलायन कर गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो कलाकार सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे वे दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए। तथा दक्षिण भारत में, यही कारण है हम देखते हैं दक्षिण भारत में जो शास्त्रीय, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, विशुद्ध शास्त्रीय संगीत, उसका ज्यादा डेवलपमेंट दक्षिण भारत में हुआ है, न कि उत्तर भारत में। उत्तर भारत में हम देखेंगे यहाँ पर मिक्सअप शैली बन गई है ना, जो शास्त्रीय संगीत है ये भी मिल गई, उसमें इस्लामिक शैली भी मिल गई। ठीक है, जो सूफी जो शैली आई, या मैं कहता हूँ जो हया शैली आई, वो भी इसी उत्तर भारत में फैली हुई है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत चले जाए तो वहां का जो संगीत है वो विशुद्ध हिंद, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो दक्षिण भारत में रह गया। यही कारण है क्योंकि जो कलाकार हैं तो ये उत्तर भारत में समझ से नहीं बैठा पा रहे थे, वो कहां चले गए, दक्षिण भारत में चले गए। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देखिए, और यही कारण है कि दक्षिण भारत में, और यही कारण है कि दक्षिण भारत में विशुद्ध, और यही कारण है कि दक्षिण भारत में विशुद्ध हिंदू संस्कृति से प्रभावित, और यही कारण है कि दक्षिण भारत में विशुद्ध हिंदू संस्कृति से प्रभावित, हिंदू संस्कृति से प्रभावित गायन शैली, गायन शैली, गायन शैली गाई जाने लगी, या गायन शैली का विकास हुआ, गायन शैली का विकास हुआ। और कालांतर में, कालांतर मतलब बाद के वर्षों में, और कालांतर में, और कालांतर में यही कर्नाटक संगीत के रूप में, और कालांतर में यही कर्नाटक संगीत के नाम से भी विकसित हो गई, और कालांतर में यही कर्नाटक संगीत के नाम से भी विकसित हो गया। ठीक है, और कालांतर में यही जो सब माइग्रेट होकर चले गए थे, जो शास्त्रीय संगीत है वही कर्नाटक संगीत के नाम से विकसित विकसित हो गई, और उत्तर भारत में जो मिली जुली शैली है, इसी मिली जुली शैली को हमने हिंदुस्तानी शैली नाम दे दिया। ठीक है, जो भारतीय जो शैली थी वो उसमें इस्लामिक शैली मिल गई, इन सभी शैलियों का जो मिला जुला रूप है उसको हमने क्या नाम दे दिया, हिंदुस्तानी शैली। तथा उत्तर भारत के क्षेत्रों में हिंदुस्तानी संगीत नाम दिया गया, और उत्तर भारत में, देखो दक्षिण भारत में क्या हो गया, दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत है ना, ये जो क्लासिकल संगीत हो क्या हो गया, कर्नाटक संगीत, और उत्तर भारत में जो मिली जुली गायन की शैली है इसको सबको मिला करके हमने नाम दे दिया हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत का नाम दे दिया गया। आगे से क्या लिखे, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में भारत, वर्तमान समय में भारत बांग्लादेश, वर्तमान समय में भारत बांग्लादेश पाकिस्तान
पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में जो संगीत विद्यमान है, आदि क्षेत्रों में जो संगीत विद्यमान है वह हिंदुस्तानी संगीत ही है। वह हिंदुस्तानी संगीत ही है। फिर पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत में संगीत के विकास में, भारत में संगीत के विकास में क्षेत्रीय शासकों का भी विशेष योगदान रहा। भारत में संगीत के विकास में क्षेत्रीय शासकों का भी विशेष योगदान रहा, जैसे ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर, जैसे ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर, जैसे ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर, जिन्होंने संगीत को लेकर मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। मान सिंह तोमर ने संगीत से रिलेटेड एक ग्रंथ की रचना की जिसका क्या नाम है, मान कौतूहल। इसकी रचना है ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर की। ये आपको याद रखना है, ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर ने संगीत के क्षेत्र में एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है मान कौतूहल। ये मान कौतूहल भी किससे रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड ग्रंथ है। तो ये भी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान कौतूहल किस सब्जेक्ट से संबंधित है, तो संगीत का ग्रंथ है ये मान कौतूहल। किसने लिखा है, ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर ने। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत हो गया, अब आते हैं हम लोग मुगल काल में। तो पैराग्राफ चेंज करिए, लिखे मुगल काल आते आते संगीत पर, दिल्ली सल्तनत के बाद हम मुगल काल में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो मुगल काल आते आते संगीत पर फारसी प्रभाव भी देखा गया। मुगल काल आते आते संगीत पर फारसी प्रभाव भी देखा गया तथा एक काम करना, जो जो इस तरीके के जो पॉइंट है ना, जैसे नाट्य शास्त्र मैंने लिखवा दिया, मान कौतूहल लिखवा दिया, यही सब कुछ अलग कलर से अंडरलाइन कर लेना, तो ये सब आपके बन जाएंगे क्वेश्चंस, बन जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, है ना, प्रीलिम्स के लिए। और जो मैंने पूरा ये सब इसका इतिहास पूरा लिखवा दिया, इसका पूरा क्रम लिखवा दिया, ये आपके मेंस राइटिंग का भी टॉपिक हो जाएगा और आपके एसी राइटिंग का टॉपिक भी हो जाएगा। एसी की राइटिंग में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संगीत, है ना, तो आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे और आप एसे का टॉपिक उठा के देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर और भारतीय संगीत से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एसे राइटिंग में। तो उसमें ये पूरा इस तरीके से आप ड्राफ्टिंग करके लिखेंगे, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और आप ब्रिटिश काल तक अगर आप लिख देंगे सब कुछ, है ना, और उसके मुख्य मुख्य पॉइंट लिख करके उसको अंडरलाइन कर देंगे तो बहुत बेहतरीन नंबर मिलते हैं उसमें। तो आपको ये इस तरीके के जो टॉपिक हैं, संगीत रत्नाकर हो गया, मान कौतूहल हो गया, है ना, नाट्य शास्त्र हो गया, हयाल शैली हो गया, तो इन सबको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। तो प्रीलिम्स के लिए ये महत्वपूर्ण हो गए और मेंस राइटिंग के लिए फिर आप एक दो बार इसकी रीडिंग मान लेंगे, मेंस और एसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो हम लिख रहे थे मुगल काल को, हाँ तो लिख रहे मुगल काल आते आते संगीत पर फारसी प्रभाव भी देखा गया। मुगल काल आते आते संगीत पर फारसी प्रभाव भी देखा गया तथा इस काल में तानसेन एक बड़े गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तथा इस काल में तानसेन अकबर के दरबार में तानसेन भी नवरत्नों में थे एक, है ना, और इस काल में तानसेन एक बड़े गायक के रूप में या संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। और इस काल में तानसेन एक महत्वपूर्ण गायक या संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। अच्छा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तानसेन है इनका वास्तविक नाम क्या था, है ना, तो लिख लीजिए तथा इनका वास्तविक नाम, तथा इनका यानी कि तानसेन का वास्तविक नाम
राम तनु पांडे था, राम तनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। ठीक है, सम टाइम क्वेश्चन ये भी बना है कि जो तानसेन है वो किस शैली के गायक थे, है ना। तो ये भी वनडे एग्जाम्स के लिए एसएससी वगैरह में क्वेश्चन अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जो तानसेन है वो किस शैली के गायक थे, लिख लीजिए इसी के आगे फर्स्ट स्टाफ लगे लिखिए। तानसेन, तानसेन ध्रुपद, तानसेन ध्रुपद गायन शैली के गायक थे। तानसेन ध्रुपद, ये गायन की एक शैली है ध्रुपद शैली, ध्रुपद लिखना। तानसेन ध्रुपद गायन शैली के गायक थे, तानसेन ध्रुपद गायन शैली के गायक थे। ठीक है, इसे आगे फुल स्टॉप लगा के लिखिए। तानसेन ने, एक वाद्य यंत्र की रचना की है और इस वाद्य यंत्र का नाम है रुद्र वीणा। तानसेन ने रुद्र वीणा नामक, वाद्य यंत्र की रचना की थी। तानसेन ने रुद्र वीणा नामक एक वाद्य यंत्र की रचना की थी। ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगा के लिखिए, स्टॉप लगा के लिखे। तानसेन को कई रागों का आविष्कारक भी माना जाता है। तानसेन को कई रागों का आविष्कारक भी माना जाता है। तानसेन को कई रागों का आविष्कारक भी माना जाता है। तो कौन कौन से रागों का इसको माना जाता है जनाब? एक तो इनका राग है मियां की टोड़ी और एक है दरबारी कन्हाड़ा, दरबारी कन्हाड़ा। तो दरबारी कन्हाड़ा और मियां की टोड़ी, मियां की टोड़ी और दरबारी कन्हाड़ा, ये दो राग हैं जिसका इनको आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, ओके, फिर से पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। मुगल काल के दौरान ही, कुछ अन्य क्षेत्रीय गायकों, मुगल काल के दौरान ही कुछ अन्य क्षेत्रीय गायकों की भी चर्चा प्राप्त होती है। मुगल काल के दौरान ही कुछ अन्य क्षेत्रीय गायकों की भी चर्चा प्राप्त होती है, जिनमें मुगल काल के दौरान ही कुछ अन्य क्षेत्रीय गायकों की भी चर्चा प्राप्त होती है, जिनमें स्वामी हरिदास, और उनके शिष्य बैजू बावरा प्रमुख हैं। तो इस समय मुगल काल में स्वामी हरिदास और हरिदास के शिष्य, क्या नाम है, बैजू बावरा, और हरिदास के शिष्य बैजू बावरा की भी चर्चा प्राप्त होती है। तो मुगल काल में स्वामी हरिदास और उनके शिष्य बैजू बावरा की चर्चा भी प्राप्त होती है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखे। इस काल में एक महिला संगीतज्ञ, इस काल में एक महिला संगीतज्ञ रानी रूपमती, का उल्लेख भी मिलता है। इस काल में एक महिला संगीतज्ञ, महिला गायिका रानी रूपमती का उल्लेख भी प्राप्त होता है, रानी रूपमती का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस समय में रानी रूपमती का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। हिंदुस्तानी संगीत में,
हिंदुस्तानी संगीत के विकास में, हिंदुस्तानी संगीत के विकास में भक्ति काल के संतों, हिंदुस्तानी संगीत के विकास में भक्ति काल के संतों का भी विशेष योगदान है। हिंदुस्तानी संगीत के विकास में भक्ति काल के संतों का भी विशेष योगदान है तथा इन संतों में वैष्णव संतों की प्रमुख भूमिका रही है। तथा इन संतों में जो वैष्णव संप्रदाय है तो उस वैष्णव संप्रदाय के जो संत हैं उनकी प्रमुख भूमिका रही है ना संगीत के क्षेत्र में। तथा इन संतों में वैष्णव संतों की भूमिका प्रमुख थी, जिनमें जिनमें जयदेव जिनमें जयदेव चंडीदास, जिनमें कौन कौन से प्रमुख हैं देखिए, जयदेव चंडीदास मीराबाई, ठीक है, जिनमें जयदेव चंडीदास मीराबाई और विद्यावती, जिनमें जयदेव चंडीदास मीराबाई और विद्यावती आदि का नाम प्रमुख है। विद्यावती आदि प्रमुख है तथा इन संतों ने ही भजन तथा कीर्तन तथा इन संतों ने ही भजन तथा कीर्तन की प्रक्रिया को लोकप्रिय किया। ठीक है, और इन संतों ने ही क्या किया, यही जो संत हैं इन्होंने भजन और जो कीर्तन है ना, और इन संतों ने क्या किया, भजन और कीर्तन को क्या किया, लोकप्रिय किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिरकार भजन और कीर्तन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ लिख लीजिए भजन और एक तरफ लिखिए कीर्तन। भजन और कीर्तन, एक तरफ लिखिए भजन और एक तरफ लिखिए कीर्तन। ठीक है, भजन के नीचे लिखिए, यह एकाकी तथा सामूहिक रूप से होता है। जो भजन है, भजन अकेले भी हो सकता है, अकेले बैठ के हम भजन कर सकते हैं और एक मंडली में बैठ के हम भजन कर सकते हैं। तो भजन एकाकी एकांकी एवं सामूहिक रूप से होता है, जबकि जो कीर्तन है, कीर्तन क्या होगा, कीर्तन हमेशा एक मंडली में होगा, हमेशा सामूहिक रूप में होगा, है ना। तो लिख लीजिए इधर जो भजन है वो एकांकी और सामूहिक, अकेले भी हो सकता है, सामूहिक रूप से भी हो सकता है, जबकि कीर्तन, जबकि कीर्तन सामूहिक ही होगा। ठीक है, भजन में देखिए, भजन में जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र भजन में क्या होगा कि वाद्य यंत्र के आप प्रयोग कर भी सकते हैं और चाहे तो अपना कर सक ना करें। भाई भजन में जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र क्या है, वाद्य यंत्र का चाहे आप प्रयोग कर ले भजन में और चाहे आप अकेले बैठ के आप वहां से भजन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जबकि जो कीर्तन है उसमें वाद्य यंत्र अनिवार्य है। जबकि कीर्तन में जो वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र क्या है, वाद्य यंत्र बिल्कुल अनिवार्य होगा, आवश्यक है, कीर्तन बिना वाद्य यंत्र के होगा ही नहीं, है ना। तो भजन में वाद्य यंत्र का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी, और जो कीर्तन है उसमें वाद्य यंत्र अनिवार्य होगा। ठीक है, वही अब देखें, अगर हम नृत्य देखें, नृत्य तो भजन में जो नृत्य है ये इसके क्या है, कि भजन में जो नृत्य है, क्या ये भजन में नृत्य होता है, नहीं होता, बैठ करके हम के लिए भजन करते रहते हैं, ये इसमें नृत्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नृत्य में वजन सॉरी भजन में नृत्य की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि जो कीर्तन है इस कीर्तन में नृत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। कीर्तन करते करते लोग डांस नृत्य करने भी लगते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो कीर्तन में नृत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जबकि भजन में नृत्य की कोई आवश्यकता नहीं है। वाद्य यंत्र भजन में यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, जबकि जो कीर्तन है उसमें तो वाद्य यंत्र बिल्कुल आवश्यक है।
ठीक है, अगर हम देखें जो भजन है वो एकांकी रूप में भी हो सकता है, अकेले व्यक्ति भी हो सकता है और एक समूह में भी हो सकता है, जबकि कीर्तन हमेशा ही होगा सामूहिक रूप में। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, देखिए मुगलों की परंपरा में, मुगल काल की बात कर रहे हैं है ना, उनका हायरार्की में, मुगलों की परंपरा में अकबर, जहांगीर, मुगलों की परंपरा में अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने, मुगलों की परंपरा में अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने अपने दरबार में संगीतज्ञों को स्थान दिया। अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने अपने दरबार में संगीतकारों को स्थान दिया, अपने दरबार में संगीतकारों को, यानी कि जो संगीत है उसको क्या किया, उसको आश्रय दिया है ना, जो संगीतकार है उनको अपने दरबार में आश्रय दिया। भाई आप अकबर के दरबार में तो हम देख ही रहे हैं कि जो है बहुत सारे हैं, तानसेन भी है, अब्दुल रहीम खाने खाना भी है ना, तो ये जो है इस तरीके से काफी सारे संगीतज्ञ हैं। ओके, तो अकबर ने भी आश्रय दिया संगीतकारों को, जहांगीर ने भी आश्रय दिया, शाहजहां ने भी आश्रय दिया, परंतु इसके आगे लिखे परंतु औरंगजेब ने, परंतु औरंगजेब ने अपने दरबार से, परंतु औरंगजेब ने अपने दरबार से सभी संगीतकारों को निलंबित कर दिया तथा संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। जबकि औरंगजेब ने अपने दरबार से सभी संगीतकारों को निलंबित कर दिया एवं एवं संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, संगीतकारों को भी निलंबित कर दिया और संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, तो इसको भी लिख लीजिए, परंतु व्यक्तिगत जीवन में औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक भी था। इसने देखिए संगीत, मतलब इससे एक आप समझिए, बहुत लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने कट्टरता की वजह से संगीत को बैन कर दिया था। देखिए विद्वान, जो विद्वान है इतिहासकार, उनके भी अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि चूंकि इस्लाम धर्म में संगीत को हराम माना गया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने इस वजह से संगीत को प्रतिबंध लगा दिया, संगीत पर, कि इस्लाम धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि औरंगजेब के समय तक आते आते इसका जो राजकोष था, वो राजकोष बहुत ज्यादा क्या हो गया था, खाली हो गया था ना, बहुत ज्यादा लॉस पे चला गया था, राजकोष बहुत सीमित हो गया था। तो इसने अपना जो राजकोष है, उस राजकोष में जो खर्च है उसको कमी करने के लिए ही ये सब चीजें कर रहा था। भाई संगीतकार रहेंगे दरबार में तो संगीतकारों को सैलरीज भी देनी पड़ेगी है ना, खर्च भी होगा, तो उसने ये जो बहुत सारे जो खर्च है, खर्चों पर कटौती करने में से ही एक काम उसने किया था कि संगीतकारों जो मतलब जो कि उसको लग रहा था कि दरबार में अगर ये ना भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसे लोगों को उसने दरबार से बाहर कर दिया ताकि जो राजकोष पर पड़ने वाला जो खर्च है वो लिमिटेड हो जाए, सीमित हो जाए। ठीक है, और अच्छा अगर ये संगीत का इतना ही विरोधी होता तो उस टाइम वीणा वादक होता ही नहीं, वीणा बजाना ना सीखता। लेकिन यानी कि संगीत का ये भी प्रेमी था, संगीत इस मतलब ऐसा कुछ इसने इस्लाम धर्म की मान्यता की वजह से, कट्टरता की वजह से इस्लाम बंद नहीं किया था, कुछ तो संगीतकारों का ऐसा मत है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम एक वीणा वादक है, तो हमें क्या करना है कि अपने जो आंसर रखने हैं दोनों तरीके से रखने हैं। ओके, परंतु व्यक्तिगत जीवन में औरंगजेब भी एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है, यहां तक कहानी हो गई। अब देखिए औरंगजेब ने तो अपने दरबार से संगीतकारों को निकाल दिया, लेकिन जब औरंगजेब ने अपने दरबार से संगीतकारों को निकाला तो संगीतकार औरंगजेब के दरबार से निकल करके तमाम क्षेत्रीय राज्यों में गए। भाई संगीतकारों को भी तो अपना जीवन यापन करना है, तो जब ये औरंगजेब के दरबार से निकाल दिए गए तो ये कहाँ चले गए, क्षेत्रीय राजाओं के पास चले गए। इसीलिए हम देखेंगे कि अब औरंगजेब के पास से जो क्षेत्रीय राजा हैं, जो क्षेत्रीय राज्य हैं, उनके दरबार में संगीत का ज्यादा विकास होने लग गया है ना। उन्हीं में से हम देखेंगे कि अवध के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अवध के जो नवाब है वो संगीत को
अच्छी तरह से आश्रय दे रहे हैं संगीतकारों को, अपने दरबार में स्थान दे रहे हैं। और वाजिद अली शाह के समय पर अगर हम देखें, अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह, तो उसके उनके समय पर देखें तो संगीत का बहुत बोलबाला था, है ना। तो उसी तरीके से हम देखें मोहम्मद शाह रंगीला भी दिन रात संगीत और नृत्य में ही बिजी रहता था। तो हम देख रहे हैं कि इसने जब अपने दरबार संगीतकारों को निकाला तो संगीतकार इसके यहाँ से निकल करके कई क्षेत्रीय राज्यों में चले गए, है ना। और वहीं से फिर दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में गए, है ना, अवध के क्षेत्र में भी गए, कुछ चले गए आपके बंगाल वाले क्षेत्र में भी चले गए। तो जो क्षेत्रीय राज्य थे उन राज्यों ने इनको आश्रय दिया और अब जो संगीत है वो क्षेत्रीय राज्यों में भी डेवलप होना चालू हो गया। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, मुगल दरबार से संगीतकारों को, एक बार होल्ड करिएगा जरा, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखे देखिए, मुगल दरबार से संगीतकारों को निकाले जाने के पश्चात वे क्षेत्रीय शासकों के पास पहुंच गए। मुगल दरबार से संगीतकारों को निकाले जाने के पश्चात वे क्षेत्रीय शासकों के पास पहुंच गए और इन क्षेत्रीय शासकों ने इन्हें अपने दरबार में आश्रय दिया ठीक है। पुलिस स्टाफ लगा के लिखे उत्तर मुगल काल के दौरान मोहम्मद शाह रंगीला तथा अवध के नवाब वाजिद अली शाह के काल में संगीत का अधिक विकास हुआ। उत्तर मुगल काल में वाजिद अली शाह तथा अवध के नवाब के दरबार में संगीत का अधिक विकास हुआ। ठीक, पैराग्राफ चेंज करिए फिर से। अब हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल की। उत्तर मुगल काल के बाद हम आते हैं औपनिवेशिक काल में। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखे, औपनिवेशिक काल के दौरान 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के आरंभ में विष्णु दिगंबर पालुस्कर, एक है विष्णु दिगंबर पालुस्कर 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के आरंभ में विष्णु दिगंबर पालुस्कर तथा विष्णु नारायण भरत खंडे ने अपने निजी योगदानों से संगीत को आश्रय दिया। ठीक है, आगे लिखे
ने जो विश्व दिगंबर पालुस्कर है, पालुस्कर ने 1901 में, पालुस्कर ने 1901 में लाहौर में, पालुस्कर ने 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय, ये जो पालुस्कर है, पालुस्कर ने 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, तब की 1901 में, ठीक है। तो पालुस्कर ने 1901 में, पालुस्कर ने 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, 1901 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, फिर से पैरा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की बात कर लें, पैरा करके लिखिए। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात ऑल इंडिया रेडियो, स्वतंत्रता के पश्चात ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो पाकिस्तान, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऑल इंडिया रेडियो ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऑल इंडिया रेलवे, ओ सॉरी, ऑल इंडिया रेडियो कॉमा रेडियो पाकिस्तान, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश बेतार, जैसे अपने यहाँ ऑल इंडिया रेडियो चलता है, वैसे ही पाकिस्तान में है रेडियो पाकिस्तान, और वैसे ही बांग्लादेश में है बांग्लादेश बेतार। बांग्लादेश बेतार जैसे संगठनों ने, जैसे संगठनों ने हिंदुस्तानी संगीत के विकास में, हिंदुस्तानी संगीत के विकास में अहम योगदान दिया, अहम योगदान दिया, और वर्तमान समय में, और वर्तमान समय में टीवी, और वर्तमान समय में टीवी तथा एफएम चैनल, और वर्तमान समय में टीवी तथा एफएम चैनल आदि की मदद से, और वर्तमान समय में टीवी एफएम चैनल आदि की मदद से, आदि की मदद से संगीत का विकास हुआ, आदि की मदद से संगीत का विकास हुआ। ठीक है जी, चलिए हाई ना लीजिए। भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का वर्गीकरण, हे हेलो, भारतीय संगीत का वर्गीकरण, भारतीय संगीत का वर्गीकरण। देखिए भारतीय संगीत को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, भारतीय संगीत का वर्गीकरण, तो भारतीय संगीत को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, भारतीय संगीत को चार भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है शास्त्रीय संगीत, भारतीय संगीत को चार भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला क्या है? शास्त्रीय संगीत। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए शास्त्रीय संगीत में यह राग पर आधारित होता है। तो जो शास्त्रीय संगीत है किस पर आधारित है? यह राग पर आधारित है। शास्त्रीय संगीत किस पर आधारित होता है? राग पर आधारित होता है। दूसरा लिखिए उपशास्त्रीय संगीत, यानी सेमी, जैसे जो शास्त्रीय संगीत उसको क्या कहते हैं? क्लासिकल म्यूजिक। वैसे ही जो उपशास्त्रीय संगीत उसको क्या कहते हैं? सेमी क्लासिकल म्यूजिक। तो दूसरा है उपशास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत को लिखिए। यह भी राग पर ही आधारित होता है, यह भी राग पर ही आधारित होता है, परंतु कभी कभी इसमें, यह भी राग पर ही आधारित होता है, परंतु कभी कभी इसमें राग से भटकने की छूट भी मिल जाती है ना। तो जो शास्त्रीय संगीत है वो शास्त्रीय संगीत राग पर आधारित होता है, जबकि जो उपशास्त्रीय संगीत है ये भी आधारित तो है राग पर, लेकिन कभी कभी राग से भटकने की भी इसमें छूट मिल जाती है।
शास्त्रीय संगीत हो गया, उपशास्त्रीय संगीत हो गया। शास्त्रीय संगीत हमने देखा सिर्फ राग पर आधारित है, और उपशास्त्रीय संगीत राग पर आधारित तो है ही, लेकिन कभी कभी राग से भटकने की छूट भी मिल जाती है। अगला तीसरा जो है वो है लोक संगीत यानी फोक सॉन्ग। क्लासिकल सॉन्ग हो गया, सेमी क्लासिकल सॉन्ग भी जो है। तीसरा क्या है, लोक संगीत यानी कि फोक फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक। ठीक है, ये क्या है, ये है ग्रामीण तथा जनजाति जीवन में गाए जाने वाले संगीत, गाए जाने वाले संगीत यानी कि जो जनजाति समूह है ना, ट्राइब्स है, या फिर जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने बीच में ही आपस में कुछ अलग अलग मैं कह दूं कि कार्यक्रमों के दौरान वो क्या करते हैं कि आपस में ही बीच में गीत गाते हैं। जैसे विवाह के दौरान गीत गाया है ना, जैसे सोहर हो गया, तो ये जो है क्या है, अच्छा कोई फेस्टिवल के दौरान अलग अलग गीत हो गए, तो ये जो सारे गीत है जो किसी एक लिमिटेड सीमित क्षेत्र में जो गाए जा रहे हैं किसी जनजाति के द्वारा, एक लोकल एक ग्रुप के द्वारा, एक गाँव वगैरह गाँव समूह में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जनजातियों के द्वारा गाए जाने वाले संगीत को हम क्या कहते हैं, लोक संगीत या फोक म्यूजिक। और चौथा आता है आपका पॉपुलर म्यूजिक, जिसे हम कहते हैं सुगम संगीत, पॉपुलर म्यूजिक यानी सुगम संगीत। चौथा है सुगम संगीत, इसी सुगम संगीत को हम क्या कहते हैं, पॉपुलर म्यूजिक। और आज कल हमें दिख रहा है सब क्या है, यही सुगम संगीत या पॉपुलर म्यूजिक में आता है। अगला है सुगम संगीत या पॉपुलर म्यूजिक, इसमें लिखिए सुगम संगीत में लिखिए, सुगम संगीत या पॉपुलर म्यूजिक में लिखिए, यह है गीत तथा गजल दो रूपों में गाया जाता है। जो सुगम संगीत है इसको गीत और गजल दोनों रूपों में गाया जाता है, यह गीत तथा गजल दो रूपों में देखा जाता है, यह गीत तथा गजल दो रूपों में देखा जाता है। फुल स्टॉप लगा लिखे, सामान्यतः फिल्मी संगीत इसी में शामिल होते हैं, सामान्यतः फिल्मी गीत, सामान्यतः फिल्मी गीत इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखे लिखे, इनका राग पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। कुछ फिल्मी गीत है जो कि राग पर आधारित मिले हमें, लेकिन कुछ तो राग पर आधारित है ही नहीं, तो इनका राग पर आधारित होना आवश्यक नहीं है, ये राग पर, इनका राग पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसमें गायन की छह शैली शामिल है, इसमें गायन की छह शैली शामिल है, इसमें गायन की छह शैली शामिल है। पैराग्राफ करके आपको लिखना है गायन की छह शैली, तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख देते हैं गायन की छह शैली कौन कौन सी है ना, जो कि संगीतों में शामिल रहती है। गायन की छह शैली निम्न है, पहला ख्याल, गायन की पहली शैली को हम क्या कहते हैं, गायन की शैली पहली ख्याल, दूसरी ध्रुपद ना, पहली हो गई ख्याल, दूसरी है ध्रुपद, तीसरी है दादरा, चौथी है तराना, तीसरी हो गई आपकी दादरा, चौथी तराना, ठीक है, उसके बाद पांचवी है कजरी, और छठवी है ठुमरी, पांचवा कजरी और छठवीं हो गई ठुमरी, ठुमरी, ठीक है, कजरी और ठुमरी। तो गायन की छह शैली हो गई, ख्याल, ध्रुपद, दादरा, तराना, कजरी, ठुमरी, ठीक है। जो ये कजरी और ठुमरी हैं, कजरी और ठुमरी में लिख लीजिए, इन्हें उपशास्त्रीय संगीत भी कहते हैं, ये उपशास्त्रीय संगीत में आती है, उपशास्त्रीय संगीत, कजरी और ठुमरी क्या है, उपशास्त्रीय संगीत है। ठीक है, तो आवाज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ये आपका रहा संगीत, भारतीय नृत्य है,
उसके बारे में कल बातें करेंगे, और थोड़ा सा रह गया है भारतीय संगीत, तो उसके बारे में भी कल हम लोग बात कर लेंगे शुरू की 10 मिनट में, और फिर हम लोग भारतीय जो नृत्य है उसकी हम लोग बात करेंगे, क्लासिकल डांस इसमें देखेंगे, पॉपुलर डांस देखेंगे, हिप हॉप देखेंगे, क्या क्या होते हैं सब अलग अलग क्या है ना। तो कल हो जाएगा आपका भारतीय नृत्य, तो आपके ये 3 टॉपिक हो जाएंगे, फिर आपका एक बचेगा आर्किटेक्चर, तो नेक्स्ट विजिट में आर्किटेक्चर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो आशीष समझ में आई चीजें आपकी, काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है भारतीय संगीत का, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और आंसर उसके लिए भी, ऐसे राइटिंग के लिए भी, तीनों के लिए महत्वपूर्ण संगीत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ध्यान रखना इसमें जो मैंने कहा कि अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन के लिए, जैसे ये जो है गायन की शैली वगैरह, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये कितने तरीके के संगीत है ये सब, तो इनको अंडरलाइन कर करके और अलग अलग तरीके से तैयार करना, प्रीलिम्स के लिए अलग कैटेगराइज करना, मेंस के लिए अलग कैटेगराइज करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।